हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैटेक केयर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉक हो जाए तो कैसे उसको अनलॉक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अकाउंट है जिसमें लॉक का ऑप्शन आएगा, तो आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेंगे, लोडिंग हो रहा है। और यहाँ पे आप कंट्री आपको चूज करना रहेगा, तो अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आपका अल्टरनेटिव नंबर ऐड करना है। पहले जो आपने इसके पहले नंबर दिया तो वो नंबर नहीं देना है यहाँ पे। और नंबर ऐड करने के बाद सेंड कोड पर क्लिक करेंगे, तो जो आपने नंबर दिया होगा उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। तो वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद ये एक्सेस हो जाएगा। तो मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आ गया है, तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद से इजीली एक्सेस हो जाएगा। तो वेट कर लेंगे थोड़ा समय, अभी कोड आने में कुछ सेकंड टाइम लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम कोड इंटर कर देंगे फिर आने के बाद, और नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अकाउंट ये अपना अनलॉक हो जाएगा। फिर हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो हमारा पहले वाला था वो खुल के आ गया है। और फिर आप यहाँ से कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर अपना फ़ोटो अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग ऐड फॉर फाइल योर नेम पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग क्लिक कर लेंगे फ़ोटो के ऊपर और देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऐड ए फ़ोटो। तो ऐड ए फ़ोटो पे क्लिक करेंगे हम लोग और एक हम फोटो चूज कर लेंगे। तो लेके चला जाएगा हमारे ड्राइव में, तो हम जिस ड्राइव में फ़ोटो होगा हमारा उसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे फ़ोटो को सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे। तो सेलेक्ट कर लिए हम और फिर यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहां से अगर अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम यहां पे चेंज कर सकते हैं, और कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। जय हिंद।